हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो का मेन मकसद है कि अभी जो बचे हुए हैं आपके पास 50 दिन, इस 50 दिन में आप एफिशिएंटली कैसे पढ़ाई कर सकते हैं सो दैट आपका 12 जनवरी 2025 का FMG एग्ज़ाम अच्छा जाए। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिन्होंने एक्चुअल में पहले एक बार एक रीडिंग कर लिया हो, या फिर उनका एक रीडिंग अब खत्म होने वाला है, या फिर उन्होंने कुछ कुछ सब्जेक्ट के रिवीजन भी कर लिए हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने अभी तक बुक टच भी नहीं किया है और अभी सिर्फ 50 दिन बचा है एंड वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 50 दिन में मैं ऐसा कुछ टाइम टेबल बताऊंगा या फिर ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से वो लोग पास कर जाएंगे। ओके, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, देर नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास 50 दिन है। इवन इफ 12 घंटा 14 घंटा दिन का पढ़ोगे, हो सकता है कि आप पास कर जाओ, 152-153 लेके आओ, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा आपके कॉलेज लाइफ में, आपके यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने पढ़ लिया है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, बस अभी आपको एक FMG के तरीके से पढ़ना है। अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हो और वैसे अगर आप 50 दिन पढ़ते हो तो हो सकता है आप पास कर जाओ। बट मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का वो बिल्कुल भी नहीं है कि 50 डेज में कैसे आप FMG पास कर जाओ, बट ये है कि ये 50 दिन आप कैसे एफिशिएंटली यूज करो सो दैट आप अच्छे से एक प्रिपरेशन आपका रहे और आप 12 जनवरी वाला जो FMG एग्जामिनेशन है उसको आप कॉन्फिडेंटली फेस कर सको, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ। दूसरा, ये वीडियो में मैं प्रेप लेटर को एज ए प्रिफरेंस यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास प्रेप लेटर है, लेकिन ये वीडियो में मैं किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा, प्रेप लेटर को ज़्यादा ऊपर नहीं मान रहा, दूसरे ऐप्स को नीचे नहीं मान रहा, कुछ भी मेरा ऐसा मकसद नहीं है। आपके पास जो भी ऐप है आप उसी ऐप से करो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो। प्रेप लेटर को मैंने एज ए प्रेफरेंस लिया है क्योंकि कुछ भी रहे, सर्जरी ऐसा नहीं है कि किसी एक ऐप में सर्जरी 100 घंटे का है तो किसी दूसरे ऐप में सर्जरी 20 घंटे का है, रहेगा तो बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4-5 घंटे का ही ऊपर नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने प्रेप लेटर को यूज़ किया है। मेरे पास प्रेप लेटर पहले से था, मुझे पता है प्रेप लेटर में कौन सा चीज़ कितना है क्या नहीं, मैं उस बेसिस पे आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो पहले ही बता रहा, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक रिफरेंस वीडियो नहीं है। मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ प्रेप लेटर से ही पढ़ो या उसी से ही पढ़ोगे तो आपका होगा, कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हम चालू करते हैं 20 नवंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक का, ये टोटल आपका 50 डेज है। ये 50 डेज में से सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहले एक आते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, फिर दूसरे आते हैं माइनर और तीसरे आते हैं आपके इंटरमीडिएट। मेजर सब्जेक्ट्स में टोटल 4 होते हैं जिसमें होता है सर्जरी, PSM, ऑब्स गाइनी, मेडिसिन। लेकिन मैं यहाँ पर एक और ऐड करना चाहता हूँ, ये वाला वो सब्जेक्ट है जिस पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे कि फॉर मी, मेरे लिए एनाटॉमी था, एनाटॉमी में कॉन्फिडेंट नहीं था, तो एनाटॉमी मुझे चाहिए था कि हाँ मैं एनाटॉमी और 2-3 दिन पढ़ूँ, एक्स्ट्रा पढ़ूँ। तो आपके लिए जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं एनाटॉमी को लेकर यहाँ पर प्रिफरेंस रख रहा हूँ, लेकिन आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसको वहाँ बिठाइएगा। और दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पैथो सोच रहे हो, मेरे लिए पैथो इंटरमीडिएट पे आता है, तो आप अपना पैथोलॉजी यहाँ डालो और आपका एनाटॉमी यहाँ डाल देना, ठीक है। बस मैं एज ए रेफरेंस बता रहा हूँ कि मेरे लिए एनाटॉमी था तो मैं एनाटॉमी को मेजर सब्जेक्ट के अंदर रखूँगा सो डैट मैं इस पर ज़्यादा टाइम दे सकूँ। फिर दूसरा हो गया माइनर, माइनर सब्जेक्ट में आपका 5, इवन इफ सब लोग बोलते हैं 4, मैं 5 इसलिए बोल रहा हूँ। पहला, सबसे पहला FMT, देन साइकेट्री, एनेस्थेशिया, रेडियो और डर्मा, ये 5 हो गए। और बचे हुए जो हैं वो आपके आगे इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में क्या क्या आया, फिजियो, पैथो, माइक्रो, बायोकेम, पीडिया, ENT, ऑर्थो, ऑप्था, फार्मा, ठीक है। ये वाला चीज़ आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं मेजर सब्जेक्ट्स को। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला कि मेजर सब्जेक्ट को 4 दिन देना है या मेजर सब्जेक्ट को 3 दिन देना है तो आपको भी 3 दिन ही देना पड़ेगा। मैं मेजर सब्जेक्ट्स को 3 दिन या 4 दिन देने का मेरा मेन मोटिव ये है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं,
तो आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बस ऊपर ऊपर से देख के चले गए, बिकॉज इसमें क्या पता कैसा क्वेश्चन आएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की वजह से अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके पास हर एक चीज का एक नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे हम पहले सबसे पहले पकड़ते हैं मेजर सब्जेक्ट्स को, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट को हमें देना है 4 डेज, टोटल हमने 5 मेजर सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो 4 × 5 हो गया आपका 20 डेज। 20 डेज आपको मेजर सब्जेक्ट्स को देना है, मतलब ये नहीं है कि अभी ये 20 नवंबर से लेकर 20 दिन तक आपको मेजर सब्जेक्ट्स ही पढ़ने, नहीं हो सकता है आप अभी मेडिसिन पढ़ो उसके बाद आप पैथो चले जाओ उसके बाद आप डर्मा चले जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स को आपको पर दिन पर सब्जेक्ट 4 डेज देना है। अभी आप 4 दिन दो, फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में 2 दिन दो, फिर वापस से आके 4 दिन दो किसी दूसरे मेजर सब्जेक्ट में, वो आपके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4 सीरियल वाइज नहीं है, बस है इन 5 सब्जेक्ट्स को आपको 4-4 दिन देने। तो 20 डेज हो गया, इस 4 दिन में आप कैसे पढ़ोगे। पहला जो डे 1 रहेगा, डे 1 में आपने आपका आपके हिसाब से अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्जरी पढ़ लिया है और अभी आप सोच रहे हो कि रैपिड रिवीजन करना है, तो आप रैपिड रिवीजन कर लो सर्जरी का कोई एक टॉपिक, हिपेटिक हुआ, कार्डियो हुआ, गैस्ट्रिक हुआ, जो भी आपको करना है। कार्डियो नहीं है ना सर्जरी में, नहीं है कार्डियो, नहीं है सर्जरी में, सॉरी। उसके बाद फिर आपको MCQs करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा हो सकता है कि आपने ब्रेस्ट, थायराइड, हिपेटिक मेन वीडियो से 3x पे या 2.5x में देख लिया एक बार, बस ऊपर ऊपर से, और उसके बाद फिर उसके क्यू बैंक्स किए। क्यू बैंक्स अगर हो चुके हैं तो कस्टम मॉड्यूल किया, ये हुआ। फिर जब डे 2 आएगा तो डे 2 में पहले तो ये डे 1 का जितना भी है उसको पूरा रिवाइज करना है, उसके बाद फिर डे 2 का पढ़ाई करना है सेम ऐसा रैपिड रिवीजन या फिर मेन वीडियोस प्लस क्वेश्चन बैंक या कस्टम मॉड्यूल। देन उसके बाद डे 3, अगर 4 दिन दिया है, मतलब ये नहीं है कि चारों के चारों दिन आपको पढ़ना है, 4 दिन दिया है मतलब 3 दिन में आपको खत्म करना है, आपका सर्जरी 3 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर डे 1 प्लस डे 2 इसका रिवीजन, देन डे 3 का पढ़ाई करना है, ठीक है। और जो 4th डे होगा, ये 4th डे आपका क्या होगा, 4th डे में होता है अगर LRR, जो प्रेपलैडर का अभी लॉन्च हुआ है LRR सीरीज, जिसमें प्रेपलैडर के 19 के 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उनका जितना भी वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है, वोलेटाइल टॉपिक्स है, जितने भी हाई यील्डिंग पॉइंट्स है, जितने भी क्वेश्चन बेस्ड है, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, PYTs PYQs, उनको कवर किया जाएगा LRR में। उसके साथ साथ आप चैंपियंस GT भी दे सकते हैं। एट द सेम टाइम इस बार आ रहा है टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज, मतलब लाइव डिस्कशन होगा चैंपियंस टेस्ट का। एट द सेम टाइम आप अपने खुद का भी पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो आपके खुद के टीचर्स के। तो इसमें अगर आप लोगों को एनरोल करना है, यू कैन यूज माई कोड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर किसी के पास प्रेप लेटर ऑलरेडी है, इवन इफ वो नीट PG का प्लान हो, इवन इफ वो INICT का प्लान हो, इवन इफ वो FMG का प्लान हो, दे ऑल कैन अवेल दिस LRR फ्रॉम देयर प्रेप लेटर ऐप। तो अगर हाँ, और दूसरा अगर LRR नहीं है, YouTube में कोई भी वीडियो आ रहा है, कुछ भी हो, कोई भी एक रैपिड रिवीजन वाला वीडियो जो 3 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कवर अप कर दे, 4th डे में आपको वही करना है, LRR प्लस कस्टम मॉड्यूल पूरे सब्जेक्ट का, 100 क्वेश्चंस या फिर 150 क्वेश्चंस, जैसे भी आपको ठीक लगे। एंड प्रेप लेटर में होता है एक PYQs वाला ऑप्शन, एक PYQs का अलग सेक्शन है, वहां पर जाकर भी आपको इसी सब्जेक्ट का जो भी है, फॉर एग्जांपल ये हम सर्जरी का देख रहे हैं, सर्जरी के PYQs वाला जो सेक्शन है जिसमें 50 या 100 PYQs है, आपको उसको भी करना है, इवन इफ वो नीट PG का हो, इवन इफ वो FMG का हो, या इवन इफ वो INICT का हो, लास्ट 5 ईयर्स का या फिर लास्ट 4 ईयर्स का तो आपको एटलीस्ट करना ही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 क्वेश्चन ही आएंगे और उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो बेसिकली आखिरी दिन जो होगा वो आपके क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, आखिरी दिन आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहना है, सो दैट आपके दिमाग में जितना भी कंसेप्ट है उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी दिमाग में बैठते रहे, ठीक है। ये हो गया मेजर को कैसे करना है, 5 सब्जेक्ट्स है आपको बता दिया मैंने। अब सेकेंड आया इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स, जो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स बचे लगभग आपके कुछ 9 सब्जेक्ट्स हैं, उन 9 सब्जेक्ट्स को आपको कैसे करना है, वो जो 9 सब्जेक्ट्स है उसका अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको आपको करना है 2 दिन के लिए, हर एक सब्जेक्ट पे आपको देना है 2 दिन, 9 सब्जेक्ट है 18 दिन। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हो गया PDIA, जैसे कि हो गया ऑप्था, जैसे कि हो गया माइक्रो, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि 2 दिन में आपका कंप्लीट ना हो, या फिर 2 दिन आपको कंप्लीट करने में लगे, उसके बाद आपको और चाहिए थोड़ा सा, लगभग 1 दिन या आधा दिन चाहिए जो आप प्रिपेयर कर सको, MCQ सॉल्व कर सको या फिर MCQ रिव्यू कर सको,
आप लोग को प्लस जीटीज भी देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ में 50 दिन पढ़ना है, जीटीज भी देना है, तो एक दिन आपका जीटी में भी जाएगा। इसीलिए उसके लिए 4 दिन का प्लस एक्स्ट्रा रखा है, मतलब 18 + 4 टोटल 22 दिन, 22 दिन आपको देना है इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स में। अब ये 22 दिन आप कैसे देंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने फिजियो किया, ठीक है, फिजियो करने के बाद आपने पैथो किया, 4 दिन हो गए, 4 दिन होने के बाद आपने एक जीटी दे दिया, एक जीटी दिया, नॉर्मल एक जीटी दिया, आपका जैसा भी आपका प्लान है जीटी का, जीटी दिया, उसमें 1 दिन चले गए, तो टोटल कितने 5 दिन निकल गए। उसके बाद आपने माइक्रो नहीं किया, उसके बाद आप चले गए सीधा ये करने गायनी करने, तो गायनी के लिए 4 दिन चले गए। उसके बाद वापस आप आए और वापस आके आपने पीडिया किया गायनी करके, उसके बाद फिर आपने ENT किया, ऑर्थो किया, फिर से आपने एक जीटी दे दिया, तो कैसे भी करके आपका ये 4 दिन चला जा रहा है। फार्मा पढ़ा, 2 दिन का फार्मा खत्म हुआ, उसके बाद आप चाहिए था कि अरे आधा दिन के लिए या फिर कम से कम और 1 दिन मुझे चाहिए फार्मा के MCQ सॉल्व करने, फार्मा मेरा थोड़ा वीक है तो मैं उसके MCQ पे ज़्यादा फोकस करूंगा, उसके PYQ पे ज़्यादा फोकस करूंगा, उसका जो LRR है या जो भी रैपिड रिविजन वाला सीरीज है उसको मैं एक बार देखूंगा, तो उसमें फिर एक और दिन चला गया। तो इसलिए ये 4 दिन एक्स्ट्रा रखा गया है। GTs के लिए कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए आपके वीक हैं, उस पर ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है किसी का ENT अच्छा है, वो 1 दिन में ENT करके दूसरे दिन में ENT के MCQs पूरे सॉल्व कर दिए, अच्छी बात है। किसी का फिजियो अच्छा है, उसने 1 दिन में फिजियो का रैपिड रिविजन पढ़ लिया प्रेपलेटर से एंड अगले दिन उसके MCQs सॉल्व कर दिए, या फिर हो सकता है फिजियो के साथ साथ उसने फार्मा को कोरिलेट कर लिया, फिजियो के साथ साथ उसने मेडिसिन का भी कुछ कोरिलेट कर लिया, आपके ऊपर है जो भी करना है, बट इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन देने हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन से फिजियो चल रहा है, दैट्स रॉन्ग, वो नहीं करना है, टाइम नहीं है। अब पहला दिन आपको क्या करना है, ये देखिए पहला दिन जो है उसमें आपको क्या करना है, रैपिड रिविजन पढ़ लिया, साथ ही साथ MV मतलब मेन वीडियोस, कि अगर कोई ऐसा टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का जो बैक्टीरियोलॉजी वाला टॉपिक है वो मेरा रैपिड रिवीजन से नहीं समझ में आ रहा, वो स्पेसिफिक जो स्लाइड्स है वो नहीं समझ में आ रहे, मेन वीडियोस में शिफ्ट करो, 1 घंटा 1.5 घंटा मेन वीडियोस का वीडियो देख के वापस रैपिड रिवीजन में आ जाओ। जैसे कि आपका हो गया ऑर्थो में हो सकता है कि आपका जो बोन ट्यूमर का लोकेशन है, बोन ट्यूमर्स है वो आपको चाहिए समझना है स्पेसिफिकली, 1 घंटे का वो वीडियो है उसको देखना है, उसको आप 2x 2.5x में देखोगे कितना 20 मिनट टाइम लगेगा, वो 20 मिनट आप मेन वीडियोस पर चले गए फिर वापस आ गए, वो है। इसलिए लिखा है कि रैपिड रिवीजन प्लस मेन वीडियो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स का, उन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स का जो आपके लिए लगता है कि आपका वीक है, बिकॉज यू नो तुम्हारा स्ट्रांगेस्ट पॉइंट क्या है, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, वो तुम्हें पता है, उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना है। देन कस्टम मॉड्यूल एंड LRR इफ पॉसिबल, ये वाला है इफ पॉसिबल, ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है इसको आप शिफ्ट कर दो डे टू में LRR प्लस कस्टम मॉड्यूल पूरे के पूरे उस सब्जेक्ट का। जैसे कि यहाँ पर ये PDA का मैंने एक बना के रखा है कि पीडियाट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स को डे 1 में हमने क्या किया, क्यू बैंक सॉल्व किया, रैपिड रिविजन किया, टेस्ट सीरीज किया, उसके बाद डे 2 को हमने क्या किया, रिवीजन किया, रिवीजन करके फिर LRR देखा, LRR देखे कस्टम मॉड्यूल किया, एंड एट द सेम टाइम अगर ग्रैंड टेस्ट देना होगा तो ग्रैंड टेस्ट भी दे दो। अगर 7 दिन 10 दिन के बीच में एक ग्रैंड टेस्ट देना है, अभी जो ये 50 दिन है 50 दिन में कैसे भी करके कम से कम 4 तुमको ग्रैंड टेस्ट देने हैं, 4-5 होंगे तो और बेटर, 6 हुए तो भाई हर 7-7 दिन में, क्योंकि अभी 6 हफ्ते में 6 GTs वेरी बेस्ट, नहीं तो कम से कम मिनिमम तो तुमको 4 देने ही हैं कुछ भी हो जाए। अब ये समझ में आया कि इंटरमीडिएट सब्जेक्ट को 2 दिन देना है और 4 दिन ऐसे पकड़ के चलो, 4 या 5 दिन पकड़ के चलो चलेगा, ठीक। अब आया माइनर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट के लिए इधर 22 उधर 20 44 दिन जा चुके हैं, तो अब 50 दिन थे, 50 दिन में से 44 दिन गए, बचे कितने, सिर्फ 6 दिन, और ये 6 डेज आपको देना है माइनर सब्जेक्ट्स को, टोटल 5 माइनर सब्जेक्ट्स 6 दिन, मतलब 1.5 दिन 1 दिन, 1 दिन में आपको खत्म करना है। रेडियो आपको LRR पढ़ना है, रेडियो आपको रैपिड रिवीजन पढ़ना है, रेडियो आपको कस्टम मॉड्यूल करना है, PYQs करना है, ये सब 1 दिन में, क्योंकि आपको अभी कैसे भी करके 10 से लेकर 12 घंटे तो पढ़ने ही है, तो वो 12 घंटे तो ऐसा नहीं कि रेडियोलॉजी का 12 घंटे का कोई मेन वीडियोस है या 12 घंटे का रैपिड रिवीजन है, और ऑब्वियसली बात है कि आप उसको 2x पे 2.5x पे देखोगे, हो सकता है एनेस्थीसिया आप देखो ही ना, एनेस्थीसिया का सीधा LRR या फिर जो भी यूट्यूब में रैपिड रिवीजन है 3 घंटे का वही देख के निकाल दो, हो सकता है डर्मा का जो है कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जहां पर आप देखोगे, बाकी चीज़ आप मेन वीडियो
बाकी चीजें आप LRR से निकाल दोगे। साइकेट्री हो सकता है आप LRR से पढ़ लो पूरा, क्योंकि उसमें ये जो माइनर सब्जेक्ट्स है इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं आते, तो इसके वजह से टीचर्स को भी पता है कि कहाँ से मेन स्पेसिफिक कहाँ से कंसाइज करके बताना है ताकि जल्दी खत्म हो, एंड सो दैट लोग बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सके ताकि इसमें ज्यादा दिमाग ना लगे, इसमें ज्यादा दिन ना जाए। तो ये आपके पास 6 दिन रहेंगे, ये 6 दिन में आपको ये 5 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। टोटल आपके 50 डेज खत्म हो गए, 10 जनवरी तक आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि चैंपियंस जीटी आएगा 25 नवंबर में, चैंपियंस जीटी है पहला, तो 25 नवंबर का दिन तो आप पढ़ने नहीं वाले, आप चैंपियंस जीटी दोगे 26 नवंबर या 27 नवंबर जब भी उसका रिव्यू आएगा, जब भी उसके आंसर्स आएंगे, आप उसका पूरा दिन निकालोगे टेस्ट एंड डिस्कशन देखने में, खुद के रिव्यूज करने में, खुद की गलतियों को देखने में, खुद जो आपने गलतियां की है जहां से आ रही है, टॉपिक में मैंने गलत किया उसका नोट्स बनाओगे, उसका लिखोगे, पूरा दिन जाएगा। तो चैंपियंस जीटी में आपके 2 दिन तो निकल गए, आउट ऑफ 52 डेज आर गॉन, तो बचे ऐसे भी आपके पास 48 डेज। तो ये इसीलिए मैंने ये जो 4 दिन है, या फिर और हो सकता है कि आपका गायनी 3 दिन में कंप्लीट हो गया, यू आर सो मच कॉन्फिडेंट इन गायनी, मेरा 3 दिन में खत्म हो गया। पीडियाट्रिक्स, यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, 2 दिन में पूरा का पूरा पीडियाट्रिक्स, ENT, ऑप्था, ऑर्थो चारों खत्म कर दिया 8 दिन में। अच्छी बात है, तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तुम दूसरे चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, तुम अपनी गलतियों पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। एंड नाउ फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है 11 जनवरी। जो ये 11 जनवरी का दिन है, उस दिन लोग ट्रैवल करेंगे, उस दिन लोग टेंशन में रहेंगे, उस दिन लोगों को लगेगा कि पता नहीं कल क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है। एक दिन में तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, इतना दिन तुमने पढ़ाई किया है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद को बोलो कि हाँ इतना दिन जो मैंने इतने मेहनत किया है, क्या झक मारने के लिए किया है, जो एक दिन मैंने अगर नहीं पढ़ा, एक दिन अगर मैं बैठा रहा, एक दिन मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, तो मैं सब भूल जाऊंगा, इतना भी तुम्हारा गजनी वाला दिमाग नहीं है, होता ना तो कब के भूल गए होते। तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। 11 जनवरी इज ओनली फॉर योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब जो तुमने बुकमार्क किए हैं MCQs, जो तुमने गलतियां की हैं GTs में, जो तुमने GTs दिए हैं उसके अगर हैं रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें जो जो गलतियां की, इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट में जाके 150 क्वेश्चन से तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि 150 क्वेश्चन है, तुम्हें बस रीड करना है पलटा पलटा के। इमेज बेस्ड क्वेश्चन तुमको PDF आ जाएंगे, तुम्हारे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे होंगे चैनल्स जिसमें रहेगा PYQs, 5 ईयर्स PYQs, बस ऐसे ही उनको 2x में बस सुनना है, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें बुक नहीं खोलना है, तुम्हें बस सुनना है, सो दैट तुम रिकॉल कर सको बातों को, रिकॉल कर सको फोटोज को, वो फोटोज देख सको बार बार, कॉपर पेनी लीजन देख सको बार बार, तुम्हारा एक्सरे का ऑस्टियोमाइलाइटिस देख सको, जाइंट सेल सार्कोमा देख सको, सोप बबल अपीयरेंस देख सको, वो चीज़ों को तुम्हें अपने दिमाग में डालना है। सो 11 तारीख इज जस्ट फॉर योर रेस्ट, ट्रैवल, एंड जो भी गलतियां की है, बुकमार्क्स हैं, उनको बार बार रीड करो, बस खत्म। एंड 12 तारीख विल बी योर मेन डे, जो इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत किया है, अभी और 50 दिन जो मेहनत करने वाले हो, सिर्फ 50 दिन है, गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ये दिमाग में रखना है कि इतने दिन से अगर मैं कर रहा था या कर रही थी, इसलिए नहीं कि आज के दिन में अब पहुंचने वाले हैं और वहां पर मैं गिव अप कर दूं, या वहां पर मैं पढ़ना छोड़ दूं, वहां पर मैं 2 दिन बस ये टेंशन में रहूं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, इतना करना था तो ये पिछले इतने दिन जो भी है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने क्यों वेस्ट किए, मजे करते किया ना वेस्ट। अगर आज के दिन तुम अगर इतना टेंशन ले रहे हो, दैट मीन्स वो इतने दिन तुमने वेस्ट किए। अगर आज तुम ये पॉजिटिव रख रहे हो कि इतने दिन मैंने पढ़ा है, बस थोड़ा सा बचा है, देन हाँ वो इतने 5 महीने तुमने यूज किए, तो देख लो तुम्हें यूज में रखना है कि वेस्ट में रखना है, तुम्हारी मर्जी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।